आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सुपरवाइजर कौन होता है हु इज़ सुपरवाइजर और सुपरवाइजर क्या क्या काम करता है मतलब सुपरवाइजर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं सुपरवाइजर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है मतलब हम तीन चीज़ों को कर डिस्कस करेंगे हु इज सुपरवाइजर फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सुपरवाइजर प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि वॉट इज़ सुपरविजन सुपरविजन क्या होती है सुपरविजन के ऑब्जेक्टिव्स और इसकी करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को डिस्कस किया था फिर उसके बाद वाली वीडियो में हमने सुपरविज़न की इम्पोर्टेंस को देखा था तो आज हम बात करेंगे कि जो सुपरविज़न होती है उसमें एक की रोल होता है सुपरवाइजर का तो सुपरवाइजर क्या होता है और सुपरवाइजर के क्या फंक्शंस होते हैं ये सुपरवाइजर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो इस पर बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड सुपरवाइज़र का क्या मतलब है सुपरवाइज़र कौन होता है सुपरवाइजर इज डिफाइंड एज द इंडिविजुअल हु परफॉर्म सुपरविजन कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि सुपरविजन करता है उसको कहते हैं सुपरवाइजर कोई भी ऐसा शख्स कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि सुपरविजन करता है उसको कहते हैं सुपरवाइज़र अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं वो तो इसका एक लिटरल मीनिंग था ना कि सुपरविजन करने वाले इंडिविजुअल को हम सुपरवाइजर कह देते हैं लेकिन सुपरवाइजर होता कौन है एन इंडिविजुअल हु इंस्ट्रक्ट गाइड मॉनिटर एंड ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ सब ऑर्डिनेट्स वाइल दे आर डूइंग देयर असाइन टास्क कि कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपने सब ऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट करता है उनको गाइड करता है उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है जब वो सब ऑर्डिनेट्स अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं या जब उनको जो भी टास्क दिया जाता है जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उस टास्क की एग्जीक्यूशन के दौरान जो इंडिविजुअल अपने सब ऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है उनको गाइड करता है उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है या उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है उस इंडिविजुअल को सुपरवाइजर का नाम देते हैं ये सारी एक्टिविटीज जो है ना इंस्ट्रक्शन गाइडेंस मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्व ऑब्जर्विंग जो है ना ये सुपरविजन का पार्ट होती है तो मतलब क्या हुआ कि वो इंडिविजुअल जो कि सुपरविजन करता है उसको सुपरवाइजर का नाम देते हैं यहाँ पे एट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने डिस्कस किए हुए हैं उसमें है मीडिएटर है डेलीगेटर है गाइडेंस प्रोवाइडर है प्रोफेशनल ट्रेनर है रिसोर्स प्रोवाइडर है कोऑर्डिनेटर है कम्युनिकेटर है, है और मोटिवेटर है अब हम इन सारे फंक्शंस पे वन बाय वन डिटेल के साथ बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं ना कि मीडिएटर सुपरवाइजर एज अ मीडिएटर कि सुपरवाइजर एज अ मीडिएटर काम करता है ये सबसे पहला फंक्शन हो गया सुपरवाइजर का कि सुपरवाइजर एज अ मीडिएटर काम करता है मीडिएटर का क्या मतलब है कि सुपरवाइजर क्या करता है कि वो इम्प्लॉयज सुपरवाइजर के एक तरफ इंप्लाइज होते हैं और दूसरी तरफ मैनेजमेंट होती है तो सुपरवाइजर क्या होता है वो इन बिटवीन होता है मैनेजमेंट और इम्प्लॉयज़ के दरम्यान तो ये क्या करता है कि इम्प्लाइज़ को मैनेजमेंट के साथ और मैनेजमेंट को इम्प्लाइज़ के साथ कनेक्ट करता है मतलब मैनेजमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं मैनेजमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उनके ऑर्डर्स हैं उनको कन्वे करता है इम्प्लॉयज़ के को और जो इम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स हैं उनकी जो फीडबैक है उनकी जो सजेशंस हैं जो, है, जो जो कंप्लेंट्स हैं वो पहुंचाता है मैनेजमेंट को तो ये मीडिएट करता है मैनेजमेंट और इम्प्लॉज के दरमियान और इम्प्लाइज और मैनेजमेंट के दरमियान फिर इसके अलावा ये तो मैनेजमेंट और इम्प्लॉयज के दरमियान हो गया ये मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स के दरमियान हो गया ये वर्कर्स के दरमियान हो गया इसके अलावा सुपरवाइजर जो है ना वो एज ए मीडिएटर काम करता है टीम मेंबर्स के दरमियान भी कि जिस टीम को सुपरवाइजर लीड कर रहा होता है उस टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनके आपस में भी कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स आ जाते हैं उन डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन का काम भी करता है सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र दो टीम मेंबर्स के दरमियान एज ए मीडिएटर काम करता है उनके कन्फ्लिक्ट को और उनके डिस्प्यूट्स को टाइमली रिजॉल्व करता है और ऐसी स्ट्रैटेजीज बना देता है कि जो रिकरिंग कन्फ्लिक्स है ना जो बार बार इशूज़ या डिस्प्यूट्स अराइज़ हो जाते हैं उनको मिटिगेट किया जा सके या उनको फ्यूचर में होने से रोका जा सके तो मीडिएटर का क्या काम हुआ कि वो मैनेजमेंट को इम्प्लॉयज़ के साथ मिलाता है और इम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के साथ प्लस वो क्या करता है कि टीम मेंबर्स के आपस में जो इश्यूज आते हैं या कन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स आते हैं उनको भी रिजॉल्व करने के लिए वो एज अ मीडिएटर काम करता है जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है ना सुपरवाइजर की वो ये है कि सुपरवाइजर एज अ डेलीगेटर कि सुपरवाइजर जो है ना एक डेलीगेटर भी होता है डेलीगेटर का क्या मतलब होता है कि डेलीगेटर का मतलब निकला है डेलीगेशन से डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपना काम दूसरों में डिवाइड कर देना अपना काम दूसरे लोगों में डिवाइड कर देना या अपना काम दूसरों से लेना उसको कहते हैं डेलीगेशन अच्छा अब सुपरवाइजर डेलीगेटर कैसे होता है डेलीगेटर का मतलब यह है कि सुपरवाइजर जिस टीम को लीड कर रहा होता है सुपरवाइज कर रहा होता है तो उस टीम के जिम्मे बहुत सारा काम होता है सुपरवाइजर so, क्या होता है उसको मैनेजमेंट टास्क देती है और उस टास्क को वो डिफरेंट चंक्स ऑफ वर्क में डिवाइड करके डिफरेंट टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो इसे कहते हैं डेलीगेट करना कि सुपरवाइजर को जो काम मिलता है वो उस काम को डेलीगेट कर देता है अपने टीम मेंबर्स के दरमियान और जब वो डेलीगेशन करता है ना तो वो ये देखता है कि किस टीम मेंबर के पास कितना नॉलेज है उसकी पोजीशन कौन सी है उसके पास एक्सपीरियंस कितना है उसकी एजुकेशन क्या है उसकी कैपेबिलिटीज क्या है ताकि जो बिजनेस डिमांड्स हैं या जो मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा किया जा सके तो क्या हुआ सुपरवाइजर एज ए डेलीगेटर में क्या करता है सुपरवाइजर के सुपरवाइजर के पास जो काम आता है जो मैनेजमेंट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है उस काम को वो डेलीगेट करता है अपनी टीम मेंबर्स में तो इसी तरह सुपरवाइजर क्या हो गया एज ए डेलीगेटर हो गया और एक इफेक्टिव डेलीगेटर होने के लिए ज़रूरी है कि सुपरवाइज़र को पता हो कि उसके जो टीम मेंबर्स हैं या जो उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है उनकी वीकनेसेस क्या है ताकि उनकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया जा सके और उनकी वीकनेसेस को अवॉइड किया जा सके मतलब जो जिस टीम मेंबर की जो जो स्ट्रेंथ है उसको वही काम दिया जा सके ताकि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगा के अपने काम को पूरा करे और अपनी ओवरऑल uh, जो बिजनेस डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके तो सुपरवाइजर एज ए डेलीगेटर काम करता है जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी fun है ना सुपरवाइजर की वो ये है कि सुपरवाइजर एज गाइडेंस प्रोवाइडर गाइडेंस प्रोवाइडर का क्या मतलब है कि एक सुपरवाइजर जो होता है उसके अंडर सब ऑर्डिनेट्स होते हैं या टीम मेंबर्स होते हैं तो वो अपनी टीम मेंबर्स को ये सब ऑर्डिनेट्स को कंटिन्यूसली गाइडेंस देता रहता है और ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या है या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है और टीम मेंबर्स को गाइड करता है कि उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जा सकता है मतलब सुपरवाइजर उनको डायरेक्शन देता है कि किस इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं इसके अलावा गाइडेंस प्रोवाइडर का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई क्रिटिकल टास्क आता है कोई इम्पोर्टेंट टास्क आता है तो उसमें सुपरवाइजर जो होता है वो अपनी टीम मेंबर्स को क्लियरली गाइड करता है इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने इस काम को किस किस तरह से एग्जीक्यूट करना है कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे आपने अवॉइड करना है तो ये गाइडेंस देता है अपने टीम मेंबर्स को क्रिटिकल टास्क के हवाले से अच्छा टीम मेम्बर्स को एक और एस्पेक्ट में भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा काम है जो कि वेरी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होना है तो आमतौर पर जो टीम मेम्बर्स होते हैं ना वो हेजिटेशन फील करते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो इस केस में भी अगर तो टास्क क्रिटिकल है या कोई टास्क ऐसा है जो कि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसमें भी सुपरवाइजर लीड करता है और उनको गाइड करता है ताकि और उनको एक डायरेक्शन देता है कि आपने इस इस तरह काम करना है अच्छा जो सुपरवाइजर होता है ना वो एज अ रोल मॉडल काम करता है रोल मॉडल का क्या मतलब होता है कि सुपरवाइजर खुद हार्ड वर्कर होता है वो खुद बहुत मेहनत करता है वो डिसिप्लेंड होता है वो अपनी एक्टिविटीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइमली पूरा करता है और एफिशेंट मैनर में पूरा करता है तो इससे इसी तरह वो टीम मेम्बर्स को भी वैसे ही गाइड करता है कि वो भी हार्ड वर्कर हों वो भी डिसिप्लेंड हो ताकि जो उनको टास्क मिला है वो उनको एफिशिएंट मैनर में पूरा कर सके जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है ना सुपरवाइजर की वो ये होती है कि सुपरवाइजर एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर कि सुपरवाइजर एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर भी काम करता है पिछली स्लाइड में हमने देखा ना कि सुपरवाइजर एज अ गाइडेंस प्रोवाइडर होता है यहाँ पे हमने बात की कि सुपरवाइजर एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर होता है प्रोफेशनल ट्रेनर का क्या मतलब है कि सुपरवाइजर क्या करता है कि वो ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करता है नई स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है कि उसकी सब ऑर्डिनेट्स में कौन कौन सी नई स्किल्स हैं जिनका उनको सीखना ज़रूरी है और टीम मेंबर्स के अंदर कौन सी ऐसी नई स्किल्स हैं जिनका आना ज़रूरी है टाइम टू टाइम क्योंकि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होती है ना वो डायनामिक होती है मतलब जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होती है ना वो तेज़ी के साथ चेंज हो रही होती है तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि ऑर्गेनाइजेशनल वर्कर्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएं। तो इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि सुपरवाइज़र की होती है कि वो टाइम टू टाइम अपनी टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग को अरेंज करता है उनके अंदर नई स्किल्स को डेवलप करता है उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज को अरेंज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाता है ताकि जो कि उसके इम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी उनके अंदर आए इनोवेशन आए और वह चैलेंज सीकर कर मतलब वो चैलेंजिंग टास्क को पसंद करें इसके अलावा सुपरवाइज़र क्या करता है कि वो अपनी टीम टीम मेंबर्स के अंदर सुपरवाइजरी और लीडरशिप स्किल्स को भी डेवलप करता है क्योंकि जो सुपरवाइज़र है ना उसने एक लंबा अरसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रहना अल्टीमेटली उसने रिटायर होना है या वो प्रमोट होकर किसी और पोस्ट पर चला जाएगा तो ऐसे केस में किसी नए सुपरवाइज़र की जरूरत पड़ती है तो इसलिए सुपरवाइजर क्या होता है वो सक्सेशन प्लानिंग भी करता है कि अपने बाद में आने वाला जो सुपरवाइजर है ना उसकी ट्रेनिंग भी करता है मतलब वो अपनी टीम के अंदर लीडरशिप स्किल्स और सुपरवाइजरी स्किल्स को भी डेवलप करता है तो सुपरवाइजर एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर काम करता है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना सुपरवाइजर की फंक्शन का वो ये है कि सुपरवाइजर एज रिसोर्स प्रोवाइडर टीम मेंबर या सब ऑर्डिनेट को अपने टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है विदाउट रिसोर्सेज आप कोई काम नहीं कर सकते टीम मेंबर्स को किस तरह की रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उसमें उनको टूल्स चाहिए होते हैं उनको डिफरेंट गैजेट्स की जरूरत पड़ सकती है सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं या पीपीईज हैं उनकी जरूरत पड़ सकती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो सुपरवाइज़र क्या करता है सुपरवाइज़र ये देखता है कि उस टीम उनके उसके जो टीम मेम्बर्स हैं उनको किस तरह की रिसोर्स की जरूरत है अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने में अपने टास्क को पूरा करने में तो सुपरवाइज़र वो जो नेसेसरी रिसोर्स होते हैं ना वो प्रोवाइड करता है अपनी टीम मेम्बर्स को ताकि जो काम है न जो भी टास्क असाइन किया गया है वो इफ़ेक्टिवली और टाइमली पूरा हो सके क्योंकि विदाउट आउट काम को करना मुमकिन नहीं होता है जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है ना सुपरवाइजर का फंक्शन सुपरवाइजर एज कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर क्या करता है कोऑर्डिनेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं और हर डिपार्टमेंट के पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं और चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज होते हैं ना वो शेयर्ड बेसिस पे यूज किए जाते हैं ए, एक डिपार्टमेंट को जो रिसोर्स चाहिए होते हैं वो यूज करते हैं फिर वो स्पेयर कर देते हैं वो फिर किसी और डिपार्टमेंट को मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो सुपरवाइजर होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है रिसोर्स एक्विजिशन में और इसके अलावा वो वर्क स्केड्यूल को एडजस्ट करता है डिमांड्स के अकॉर्डिंग कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट की डिमांड आई है ना कि आपने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो वो सी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है कि हमने कितने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्शन स्कैड्यूल को सेट करता है इसके अलावा वो नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करता है वो अपग्रेडेशन करता है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर मोटी uh, और अपग्रेडेशन को कोऑर्डिनेट करता है ताकि एफिशेंसी को इंक्रीज किया जा सके तो इसमें क्या हुआ कि सुपरवाइजर एज ए कोऑर्डिनेटर काम करता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है रिसोर्स के लिए ट्रेनिंग्स के लिए अपग्रेडेशन या मॉडिफिकेशंस के लिए इसके अलावा जो सुपरवाइजर होते हैं वो एज ए कम्युनिकेटर काम करता है कम्युनिकेटर का क्या मतलब होता है कि सुपरवाइजर कम्युनिकेशन करता है कम्युनिकेशन किस तरह करता है कि वो मैनेजमेंट से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेता है ऑर्डर्स लेता है और वो एम्प्लॉइज को कन्वे कर देता है और इसी तरह जो इम्प्लॉयज़ की फीडबैक होती है सुजेशन होती हैं या कंप्लेंट्स होती हैं या उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये जो फीडबैक होती है वो वो कन्वे करता है मैनेजमेंट को तो वो कम्युनिकेटर होता है जो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन आती है उसको कम्युनिकेट करता है इम्प्लॉयज़ को और जो इम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट को तो वो एज़ ए कम्युनिकेटर काम कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती 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 है 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 ना वो दो तरह की हो सकती है, भी होती है, भी वर्बल तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आमतौर पर रिटर्न कम्युनिकेशन को प्रेफर करती हैं जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो वर्बल तो कम्युनिकेशन को प्रेफर करती हैं है है। अच्छा इसके अलावा जो सुपरवाइजर होता है ना वो एज ए मोटिवेटर काम करता है ये एक की फंक्शनैलिटी होती है सुपरवाइज़र की कि वो अपनी टीम मेंबर्स को कंटिन्यूसली इनक्रेज करता है कि वो अपने कि वो मैक्सिमम एफ़र्ट लगाएँ और अपने काम को टाइमली पूरा करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें क्योंकि वो क्या करता है कि वो प्रोडक्टिविटी को एसोसिएट कर देता है रिवॉर्ड्स के साथ कि जिस इम्प्लॉई की या जिस टीम मेंबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे और जिसकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी कम होगी उसको कम रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो जब इम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है ना तो इसी तरह क्या होता है कि इम्प्लॉज़ के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो मैक्सिमम एफ़र्ट लगाएंगे अपने काम को अच्छे तरीके से पूरा करेंगे तो उससे उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे सुपरवाइज़र क्या होता है एज ए मोटिवेटर काम करता है